Slowly, slowly. Be careful. Papa, be careful. Papa. दुगो, क्या खाओगे? पहाड़. पहाड़ जाओगे? क्या करने? पहाड़. हाँ? पहाड़. पहाड़ जाओगे? हाँ. चलो फिर पहाड़ चलते हैं. ओके. आर यू एक्साइटेड? हाँ. यस, लेट्स गो. बाय बाय. बाय बाय. तो हाँ जी, अभी हम लोग पहुँचे हैं भाटवडनी और यहाँ से कुछ सामान लेंगे, सामान कैंपिंग के लिए लेंगे. तो डुगू अभी आइसक्रीम खाएगा, तो डुगू को आइसक्रीम खिलाएंगे आज. ठीक है डुगू, यू नीड आइसक्रीम? यस. ओके. व्हिच आइसक्रीम? हैं? ओके. व्हिच आइसक्रीम? और यू आइसक्रीम बना रहे हो? नगेट बार के? नगेट, नगेट बार. टॉफी बार? यस. हाउ मच? 17. वेयर इज योर मनी डुगू? वेयर इज योर मनी? गिव मी मनी. हाँ चलिए, हो गया. हाँ चलिए चलिए जी. अब हम अभी पहाड़ के आधे रास्ते पहुँचे हैं. अब मिस्टर जान सो के सोए थे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर आराम किए थे हम लोगों ने. अब इसके बाद जा रहे हैं थोड़ा आगे, वहाँ जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर अजान क्या करेंगे? ऐश करेंगे. और ऐश करेंगे. और क्या बोलो जान? अड़गू मजा आया. बारिश हो रही है ना रेडी? आगे तो बारिश हो रही है. मौसम यहाँ का अलग ही है भाई. पहाड़ों का मौसम समझो कि कोई भरोसा नहीं यहाँ पे. पहाड़ का मौसम और लड़कियों का भरोसा कभी नहीं करना. जाते हैं ये देखिए, आज शाम यहाँ पे फ्लड आया था. सॉरी, फ्लड कह रहा हूँ, लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड में ये हालत है यहाँ पे. ओ देखो देखिए वो पहाड़ का, आपको वहाँ पे ना चिल ठंडा है वहाँ पे. हाँ तो बेसिकली आज अजान कई दिनों से कह रहे थे बेचारे कि पापा पहाड़ जाने, पहाड़ जाने. बहुत दिन हो गया बेचारे घुमाए नहीं थे. बहुत ज़्यादा दिन हो गया. तो लेके आते, क्योंकि यार बच्चे को मोबाइल दे के अपना काम करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. क्योंकि ना आपको पता है मोबाइल आजकल के जनरेशन के लिए बहुत ही एक तरह से अभिशाप है. अभिशाप नहीं कहते, वीपन क्या कहते हैं उसे, जैसे जहर है. जहर है मतलब एक एक एडिक्ट के से चरस ज्यादा होता है ना, उसी तरह से बच्चों का ये ना मोबाइल एक तरह से बहुत ही खतरनाक टूल है जो बच्चों को एक मेंटली और फिजिकली हैरेस करता है. हैरेस मतलब डिस्टर्ब करता है. तो इसीलिए बच्चों को हर समय टाइम दीजिए, जितना भी छपे हो बट उसको टाइम दीजिए. देखिए धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा ठीक है. आगे मिलते हैं अभी के लिए. हाँ हम लोग को मोटा कपड़ा पहना के लेकर आए हैं. मोटा कपड़ा? मोटा खुद, मैं खुद मोटा कपड़ा पहन के आया हूँ. तो मोटे कपड़ा पहना दो, दिया कितनी गर्मी हो रही है अभी. मजा आ रहा है? मजा आ रहा है. मौसम चेंज नहीं हुआ ना तो फिर मैं बताऊंगी वहीं पे. ठीक है ठीक है, बता दे. कट कर दो. क्या लो जी, आज यहाँ पर बैठ के आराम करेंगे और आज कैंपिंग का प्लान कैंसिल हो गया ड्यू टू हमें वो होता ना वो गैस सिलेंडर वो नहीं मिला. तो कोई नहीं, जब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है. थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, आराम बैठते हैं आराम से. देखिए डुगू मामा हेल्प कर रहा है. देखिए ओके. सिट डुगू, सिट डुगू, सिट 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 सिट. नो 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 मत निकालो,
बैठ ऐसे सीट बेटा सीट चलो मामा पास जा। इतनी तमी तो कहाँ सीखे बेटा तुम। गुड बॉय जा मामा डॉगी डूडूडी बस जाओ। अच्छा लग रहा आपको। चलो बैठो ये देखिए ध्यान रखना। ओके मैं लकड़ी का लकड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। और अगर मिल गया अच्छी बात है बना लेंगे वरना कुछ और जुगाड़ देखेंगे फिर। और ये गए जंगलों में लकड़ी के इंतजाम करने। ओके पापा दो कमिया डुगू मम्मा की गोदी में आ। इधर देखो डुगू लुक एट मी। हेलो गाइस देखो कहाँ जा रहे हैं। ज्यादा दूर मत जाइएगा। स्लोली स्लोली पापा बी केयरफुल। ओह माय बेबी पापा प्लीज केयरफुल। डुगू वेर इज डैडी। ज्यादा दूर मत जाइएगा। ज्यादा दूर ना जाने। डुगू बाबा बी केयरफुल। इधर देखो हेलो गाइस डुगू बाबा ने कहा दिया। बता डुगू की डैडी कहाँ है। डुगू डैडी या इधर देखो काटेगा कचेरा वो रहे लकड़ी को चुनते हुए पता नहीं क्या लेगा। पापा सॉरी सॉरी से बी केयरफुल। आइए 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 डुगू डुगू क्या लाए हैं। लकड़ी जुगाड़ लड़की का जुगाड़। अब पत्थर रगड़ के आज लाएंगे क्या। कितना अच्छा सूखी लकड़ी लेकर आया। और लेकर आई है ना इसमें का है कि नहीं है। पापा पापा हजूर पापा क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पापा। क्या कर रहे हैं। डुगू बगा खाएगा ना। वो हंग्री उसी का बना जुगा कर रहा हूँ। डुगू हंग्री पापा जो क्या उठा रहे डुगू। पापा हाँ गोमी गालिया डुगू चीसो मौसम चा तातु जवानी। पापा डुगू इधर देखो बादल बरसा बिजली सावन का पानी। पापा डुगू ओए डुगू दे देखो चीसो मौसम चा तातो जवानी। मजा आ गया। वेयर इज फादर पापा कहाँ है। पापा वही बैठो 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 लो जी आग का इंतजाम हो चुका है। इस साइड पत्थर लग चुका है। ओके
इस साइड पत्थर लगा दे, इस साइड पत्थर का जुगाड़ करना है। तो आगे एक पत्थर है वो देखते हैं। यहाँ से पत्थर उठाएंगे उसके पीछे कीड़े भी हो सकते हैं। हाँ एक यहाँ लग गया। जल रहा नहीं जल रहा है? जल रहा है, कुछ जल रहा है। चलिए जी, कैसा चूल्हा बना है हमने? अरे जलता रहेगा धीरे धीरे। उधर से हवारा सीधे मेरे मुंह पे। चलिए जी, आग लग चुका है, अब थोड़ा खाना का प्रिपेयर करते हैं। खाना मतलब थोड़ा बर्गर सर्गर बना के चलेंगे। और बगर ओके, ये खोलिए, आप ही बना बाधे। मैंने कहा बाधा, तुमने बात दी थी मेरे को। नहीं, मैंने तो वो वाला नॉक दांत से निकाल उसको साइड से करना, वो खुल जाएगा। इसको तो ना हिंदी समझ में आता है ना नेपाली समझ में आता है। हमें ये के बोल रही है बगर बनाने, बगर दुगु बगर खाने ना। हाँ। और बगर खाने निकाल दे, निकाल ले, आग लग गया है। खोलेंगे यहाँ पे एक ईटा, ये वाला ईटा ना, ये वाला ईटा क्या? जूता लगाओ ने। ओके वेट, आप सिर्फ आप अपने आप कोशिश करो लाने की। हाँ स्पेशल जूता लगाने का। ओके इसमें है जादू का पुतारा। जादू कूदो बना। क्या? ओके बटर बटर के बिना बर्गर अच्छा नहीं लगता है ना। बर्गर धुआं लग गया बेटा। वाह तो फ्राउड ब्रगर का गूगर ले, गरम करके रख ले। क्या बोला? मजा आया? सासों के काम कर रहा है। इधर का काम करना पड़ेगा, इधर का काम खड़े हो जा। चीज़ क्या गिरा रहा है? बंद हो गया ना? एक बार टेस्ट कीजिए तो। लो जी बर्गर रेडी हो चुका है, खा के देखते हैं। हाँ लो बगर बगर ट्राई ट्राई। हाउ इज इट? परफेक्ट। कैसा है जन? और मोर लो। क्या हुआ? आथ हुआ तो गरम होगा। कहाँ गरम, ठंडा है। लो मजेदार, एक नंबर, भरपूर चीज है। तो हाँ जी, बर्गर सगर सब हो चुके हैं, कॉफी भी पी चुके हैं। नहीं कॉफी ला, कॉफी बनाना था, कॉफी नहीं लाए। वाकई में ब्लॉगर बहुत झूठे होते हैं। तन तार जल जाएगा, तार जल जाएगा बेटे, दूर से आओ। चलिए फिर
एक अगर मौसम अगर खुला तो ड्रोन शॉट भी लेंगे, वरना यहाँ से निकलेंगे। ये भाई साहब का पता नहीं क्या ब्लॉगिंग का बीमार चढ़ा हुआ है, वो देखिए छोड़ ही नहीं रहे। हाँ चलिए फिर समेट लो, आगे चलते, फिर आगे भी नीचे अगर मौसम अच्छा मिलता दिखाएंगे आपको। ओ शिट, व्हाट हैपेंड, वो टूट गया। जाओ मम्मा हेल्प करो, जाओ गो, मैं कैसे कर दूँ, जाओ मम्मा हेल्प करो, जाओ सॉस, हाँ गो हेल्प मम्मा, थैंक यू बेटा। और प्लेट दो, प्लेट दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला पकड़, ये वाला। हाँ तो देखिए अजान बेटा डॉगी को रोटी खिला रहे हैं, गुड बॉय। एक और दे दो, लो गिल्ले, खाओ खाओ, बोलो बोलो, टेक इट, टेक इट, बोलो सिट सिट सिट, बस हमला ना कर दे बस। चलो बेचारा कुछ मिला नहीं था, अब जाके खा के मिला, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा काला कुत्ता। किसका, मेरा? हाँ तुझे अपने बस में करा देगा, उसकी आँख में देख, बस में करेगा देखना। हमको तो मेरा आदमी नहीं बस बस में कर सकता, क्या चाहिए यार, क्या हो गया, खा लिया बेटा उसने, क्या दूँ अब, देसी घी के पराठे खिलाओगे कुत्ते को? हाँ दादी का ही तो पोता है ये, आप खाओ ना, आप खाओ यार, ले डॉगी ले, बस अब नहीं है, फिनिश। हाँ लो, ओके बाय बाय बोल दो, बाय बाय डॉगी, तो हाँ जी आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटा सा कैंपिंग हो गया है, बच्चों को थोड़ा घुमा दिए हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आप ही के सहारे, कसम से बोल रहा हूँ, आप ही के सहारे जी रहे हैं, वरना समझ रहे ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि ना देखो ब्लॉगिंग बनाने के लिए फ्री बनता नहीं है, थोड़ा पैसे लगते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है इधर भी। अगर बाकी जरा यूट्यूब जैसा पैसे होते हैं या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता तो चलो यार कोई नहीं चले गए, पर सब कुछ देख के चलना पड़ता है, तो इसीलिए तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। चले मिलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय डुगू, बाय कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई लव यू, बोलो तो। हाँ जी ये देखिए अजान कितना बदमाश हो गया आजकल, देखिए देखिए कितना जिद कर रहे हैं यहाँ बैठ के। चलो चलो चलो, ये देखिए ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, यहाँ से हमारा पूरा शहर दिखता है, ये देखिए। चलो जी चलते यहाँ से फिर, चलो चलो लेट्स गो, लेट लीजिए जी डुगू का फेवरेट चाउमीन, एक चाउमीन आ चुका है, अब वो खाएंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, वो देखिए कैसे रेडी हो रहे हैं। क्या खा रहे हो अजान? चाउमीन खाने चोरा, खाओ खाओ एक चाउमीन, अंडा चाउमीन खाने ला, खाओ स्लोली, ये भी साफ करके खाएगा, ओके क्लीन इट, ये देखिए कितना मैनर अच्छा है, यस दिस इज जुगू। लो जी हम लोग कैंपिंग करके आ चुके हैं और हाँ तो अब कुछ खा ले यहाँ पर भी, क्योंकि उतना से पेट नहीं भरा मिस्टर अजान का, तो अभी अजान किंडर जॉय खा रहा है, किंडर जॉय खाने के बाद तो इसके बाद यहाँ से जाएंगे, आगे भी कुछ दिखाने लायक है तो दिखाएंगे। बाकी यहाँ का मौसम भी खुला खुला मौसम है, एकदम बादलियों के वगैरह, और आज मौसम थोड़ा खुला है तो इसीलिए मिस्टर अजान को लेके आए यहाँ पर, और यह है शालिनी रिजॉर्ट जो काफ़ी बार आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए ऑर्डर किया, क्या खाओगे जान, क्या खाओगे, क्या खाओगे? हाँ दिस इज यस। चलिए जी कैंपिंग भी हो चुका, छोटा सा कैंपिंग हो चुका है,
और डुगू को सालिनी वाटिका पे हमने चौमिन में खिला दिया, वो सो गया देखिए आराम से। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़, सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे और प्लानिंग कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा ब्लॉग करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आज के लिए अलविदा।